तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सीईओ ने किसी से कहा था कि यी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हमें शटडाउन करना है। तो जब सीईओ पहुंचते हैं उस आदमी के ऑफिस में जिसके बाल पर्पल कलर के हैं, वो पूछता है कि आपको किस सेलिब्रिटी ने ऑफेंड किया है मिस्टर फैंग। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि मुझे गेस करने दीजिए, क्या ये याओ है जो बेस्ट एक्ट्रेस थी इस साल की, या वैन क्वैन है जो फेमस एलियस स्टार है, और कोई पिगी बैक ऑन योर पॉपुलरिटी एक्सेप्ट देम करके कोई है करके जिसको आप करना चाहते हैं बैन इंडस्ट्री से। तो सीईओ बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो लड़का पूछता है यदि ऐसा नहीं है तो फिर कौन है, क्या वो इंटरनेशनल स्टार है। और फिर वो ये भी बताता है कि मेरी कंपनी का जो इन्फ्लुएंस है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का दूसरों के साथ भी है, मतलब इंटरनेशनल में भी उनका इन्फ्लुएंस है उनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, लेकिन मेरे पास इतना पावर नहीं है कि मैं किसी को भी शट डाउन कर सकूं करके। क्योंकि जो ए लिस्ट के स्टार्स होते हैं इंडस्ट्री में, उनके पीछे किसी ना किसी का बैकिंग होता है, तो ये मेरे लिए डिफिकल्ट है कि मैं किसी को भी चुन के ऐसे बैन कर दूँ सिर्फ तुम्हारे बोलने पे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तभी वो फोटो देखता है, और तब जब वो फोटो देखता है तो वो सोचता है कि ये कौन है, इसे तो पहले कभी उसने देखा नहीं है। वो उस फोटो को काफी क्लोजर लुक से भी देखता है, लेकिन फिर भी उसे याद नहीं आता है कि उसने ऐसे किसी को देखा है करके। तो वो पूछता है कि ये कौन है। तो हमारे सीईओ बोलते हैं कि ये यून है, यू एन करके वो उसको बताते हैं। तो जो पर्पल हेयर वाला आदमी है वो पूछता है क्या ये कोई नया स्टार है। तो हमारे सीईओ बताते हैं नहीं, ये 7 साल से काम कर रहा है करके। तो जो पर्पल हेयर वाला आदमी है वो बोलता है लेकिन मैंने कभी भी इसके बारे में सुना नहीं है। और वो अपने मन में ये भी सोचता है कि फैंग जो है उसने कभी भी किसी के बारे में केयर नहीं करी इंडस्ट्री में, तो वो कैसे ऐसे इंसान को जानता है जिसका कोई भी पहचान नहीं है। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो बोलता है कि उसे बाथरूम में जाना है, और वो ऐसा कह के हमारे फैंग सीईओ को छोड़ के बाथरूम की ओर बढ़ जाता है। और वो बाथरूम में बैठने के बाद अपने मोबाइल फोन पे रिसर्च करता है कि एक कौन है, कौन सा स्टार है ये जिसके बारे में उसे नहीं पता है बिल्कुल भी। तभी वो देखता है कि उसमें लिखा होता है कि हाँ आप जो रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं वो मिल नहीं रहे हैं, और वो रिजल्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते उनके वेब पेज पे जहाँ पर वो उसको सर्च कर रहे हैं। तभी वो जो सर्च हिस्ट्री है वो उनको सजेस्ट करती है कि आप यी यून के नाम से देखिए कि इस नाम का मतलब कोई हो सकता है करके आपके यहाँ पर। तब वो जो देखता है तो वहां पर लिखा आता है यी नहीं है, वो यी है करके। और फिर उसमें दिखाते हैं कि उसके तो सिर्फ 40,000 ही फॉलोअर्स हैं। उसे बड़ा आश्चर्य होता है, वो बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और आते ही वो बाथरूम से जब निकलता है तो वो निकल के फोन को मिस्टर फैंग हमारे सीईओ के सामने फेंक देता है, और बोलता है कि तुमने मुझे जिस एंटरटेनमेंट सेलिब्रिटी को ब्लॉक करने के लिए, बैन करने के लिए कहा है, उसके तो 50,000 भी पूरे फॉलोअर नहीं है, तुम इसे बैन क्यों करना चाहते हो करके। वो अपना मोबाइल भी दिखाता है उसे, और ये भी बोलता है कि ऐसे आदमी को तो इंटरनेट का सेलिब्रिटी भी नहीं कहा जा सकता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो क्या तुम सीरियस हो कि तुम मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हो। वो सीईओ की तरफ पॉइंट आउट करके ये सारी बातें उसको कहता है। सीईओ बोलता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं करना चाहिए करके। तो पर्पल हेयर वाला आदमी कुर्सी पे बैठ जाता है और बोलता है कि इतनी सी बात तो तुम खुद भी हैंडल कर सकते हो, तो मेरे पास क्यों आए हो इस बात को हैंडल करने के लिए। ये जो आदमी है वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए इसे बैन करना तो एक चुटकी का काम है, और तुम इसे एक चुटकी से ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो सीईओ बोलता है कि तुम ये कर सकते हो कि नहीं ये बात मुझे बता। तो
और तभी वो पर्पल हेयर वाला आदमी बोलता है, क्या तुम सच में सीरियस हो इस बात को लेके? तुम वाकई में खुद कर सकते हो, तो ये चीज मेरे से क्यों करवाना चाहते हो करके? तब हमारा सीईओ कहता है कि मैं अभी तुम्हें ये बात नहीं बता सकता हूँ। तो दोनों थोड़ा सा मुंह बनाते हैं और अपनी अपनी चाय का कप उठाते हैं और दोनों अपना चाय धीरे धीरे स्लो स्लो पीने लगते हैं, और उनमें से एक अपना चाय का कप नीचे रखता है। और तभी ये पर्पल हेयर वाला आदमी बोलता है कि मुझे याद आया कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड मतलब फियांस है वो अब्रॉड से वापस आने वाली है नेक्स्ट मंथ, तो मिस क्वीन है उसका नाम, तो तुम्हारा उसके साथ क्या प्लान है करके? तो सीईओ बोलता है कि ये मेरा कोई प्लान नहीं है, ये तो मेरे ग्रैंडफादर की इच्छा थी कि वो मेरी फियांस बने और मैं उससे शादी करूं, लेकिन मैंने कभी भी इसको अप्रूव नहीं किया था। तब ये पर्पल हेयर वाला आदमी बोलता है कि जो क्वीन फैमिली है वो सभी को ये बता रही है कि उनकी उसका रिश्ता तुम्हारी फैमिली के साथ हुआ है, और तुम कह रहे हो कि कोई पूछ नहीं रहा है इस बारे में करके। तो सीईओ बोलते हैं कि तुम्हें सब चीजें दूसरों की बात सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दूसरे बोलते हैं वो ट्रू नहीं होता है कई बार, तो जो मैं बता रहा हूँ वही सही है। तभी पर्पल हेयर वाला आदमी बोलता है कि लेकिन जो मिस क्वीन है वो एक अच्छी चॉइस है, वो एक बहुत अच्छी दिखने वाली लेडी है, वो चार्मिंग है, वेल एजुकेटेड है, और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, और सारे लोग उसके पीछे क्रेजी भी है, तो तुम्हें और क्या चाहिए? और या फिर ये बात है कि तुम अपनी कोई और जो यूनिवर्सिटी में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी उसके लिए तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो? और ये भी बोलता है कि जब पिछली बार तुम आए थे उसको लेके, तब पब्लिक में जब तुम उसको लेके आए थे तो मैं उससे मिला भी था, और वो ये तभी सीईओ बोलता है कि उसका क्लीन बैकग्राउंड है, वो ऑबिडियंट भी है और वो ठीक से बिहेव भी करती है, इसीलिए मैंने उसे अपने कंपेनियन के रूप में अपने साइड में रख रखा है करके। तभी पर्पल हेयर वाला आदमी बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि वो बहुत ओबीडियंट है? क्योंकि हमारे जो टीम है फिर वो क्वेश्चन मार्क जैसा उनके सिर पे बल्ब जलता है कि ऐसा क्यों बोल रहा है करके। तो वो बताता है पर्पल हेयर वाला आदमी कि जो वो है लड़की है वो हर किसी को बोल रही है कि मैं फैंग जी योन की गर्लफ्रेंड हूँ करके, और इसी के ये तुम्हारे नाम के सहारे वो अपने रिच सर्कल में भी सबको दिखावा करती है और उनसे फ्रेंडशिप करती है, और वो तो ऐसे एक्ट करने लग गई है जैसे कि वो मिसेस फैंग ही बन गई हो और वो किसी अपर क्लास की मेंबर हो। वो चाय में शक्कर डालते हुए ये सारी बातें करता है और साथ में ये भी बोलता है कि कभी भी किसी को भी हमें उसके ऊपर के स्वभाव से जज नहीं करना चाहिए, और ये भी बताता है कि वो दिखती ओबीडियंट है पर उसके एम्बिशन जो है वो बहुत ही बिग है, वो ऐसा हो सकता है कि वो अंदर से वैसी ना हो जैसी वो दिखाई देती है, और वो जो है तुम्हारे फेम के ऊपर अपना मतलब सारा काम कर रही है। तभी सीईओ बोलता है कि मैं उसे वार्न करूंगा कि आगे से वो ऐसा सब ना करे, झूठी झूठी बातें ज्यादा ना फैलाए। तो पर्पल हेयर वाला आदमी पूछता है तुम अपने वर्क के अलावा और क्या करते हो? क्या तुम एक मॉन्क की जिंदगी बिता रहे हो क्या? जब इतनी सारी लड़कियां हैं जो तुम्हें आराम से मिल सकती हैं, तो तुम उन्हें एंजॉय करने की अपेक्षा इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तो क्या तुम्हें कोई टाइप की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो करके? तो फिर उसके बाद पर्पल हेयर वाला आदमी यी की फोटो दिखाता है और पूछता है कि बेसिकली ये आदमी करता क्या है? मैंने इसे कभी भी कहीं पे भी देखा नहीं है, लेकिन इसने तुम्हारा अटेंशन गेन किया हुआ है, तो ऐसा क्यों है? और मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि इसके साथ कोई तुम्हारा डीप ग्रज है, तो फिर तुम इसे क्यों बैन करना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इससे प्यार हो करके? और जो पर्पल हेयर वाला आदमी होता है वो बड़ा गॉसिप के मूड में आ जाता है, उसे बहुत सारी गॉसिप करनी होती है। तभी से ये बोलता है कि मुझे जाना होगा, बाय। पर्पल हेयर वाला आदमी बोलता है नहीं नहीं मत जाओ, अरे रुको थोड़ा, मेरी क्यूरियसिटी
जो है उसको शांत करो। और वो ये भी पूछता है कि तुम्हारा आखिरकार उसके साथ रिलेशन क्या है, तभी तो तुम मुझे सब बताओ, तभी तो मैं उस चीज के साथ डील करूंगा, नहीं तो मैं कैसे उसके साथ डील करूंगा। सीईओ चला जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। ये पर्पल वाले आदमी को, पर्पल हेयर वाले आदमी की कोई भी जो क्यूरियोसिटी होती है वो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि कुछ भी वो बताता नहीं है। तभी वो सोचता है कि इतनी बड़ी दुनिया में किसी ने भी ये टैंग जियो का अटेंशन ड्रॉ नहीं किया है, तो ये ऐसा कौन सा इंसान है जिसने उसका अटेंशन ड्रॉ किया है। तो वो एक फोन लगाता है और फोन पे सोचते हुए सोचता है कि मैं बड़ा ही क्यूरियस हूँ इसके बारे में जानने के लिए, आखिर कौन बताएगा। जब फोन कनेक्ट होता है तो वो बोलता है किसी आदमी को कि एक पर्सन है जिसका नाम यी यून है, मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, मुझे सारी इंफॉर्मेशन आप दीजिएगा। ये एक अजीब बात है। जब वो ये देखता है, पर्पल हेयर वाला आदमी उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्स को देखता है, तो सोचता है कि ये एक अजीब बात है कि जो ये एक्टर है यी यून, वो बहुत ही अनलकी एक्टर है। इसने जितने भी सीरीज में आज तक पार्टिसिपेट किया है वो सारे के सारे फेल हो चुके थे, लेकिन डायरेक्टर्स ने इसे जो वर्क दिया था वो फेल नहीं होना चाहिए था। फिर भी इसने जिस जिस जगह पर काम किया वो सारे के सारे चीजें फ्लॉप हो गई, और इसके जो रोल्स भी सेलेक्ट किए गए थे प्रोफेशनल, वो भी बहुत अच्छे रोल्स थे, और इन जो रोल्स का चुनाव किया गया था वो रोल्स काफी समय से इंडस्ट्री के काफी बड़े बड़े लोगों ने चुन के दिए थे, फिर भी ये एक्टर कुछ चला नहीं। जैसे ही यून उस जगह पे किसी भी सीरीज में अपना फेस दिखाता है, वो सीरीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ऐसा क्यों है करके। और इनकी कंपनी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसा एक्टर जो चल नहीं रहा है और उससे कुछ प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, तब भी इसकी इंडस्ट्री ने इसे निकाला नहीं, इसकी कंपनी ने इसे अपने पास रख रखा था। और ये भी सोचता है कि इसे जो सीरीज दी गई थी वो कोई बुरे सीरीज नहीं थे, वो एक्चुअली बहुत अच्छे सीरीज थे, लेकिन उसे जब ऊपर जाना चाहिए था उसके बाद भी वो नीचे की तरफ जाता रहा, यानी उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती जा रही थी और उसके सीरीज सारे के सारे फ्लॉप होते जा रहे थे। दूसरी तरफ सीईओ कुछ काम कर रहा होता है, अपनी फाइल में देख रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है और वो हेलो बोलता है। तभी वो पर्पल हेयर वाला आदमी बोलता है, जिन याओ, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे? तुम मेरे से छिपाने की कोशिश मत करो और मुझे ठीक तरीके से बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, और तुम उसके कैरियर को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, और मतलब बैन करना चाहते हो लेकिन फिर भी तुम उसके कैरियर को सपोर्ट भी करना चाहते हो, ऐसा क्यों है करके। तो वो पूछता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और यदि उसने तुम्हें वाकई में ऑफेंड किया है तो तुम उसका कैरियर खुद ही एंड कर सकते हो करके। तो तुम कौन से प्रकार का गेम खेल रहे हो? और वो ये उनके यहाँ पर एक ऐसी कहावत है कि कैरेट एंड ए स्टिक प्लेइंग हार्ड टू गेट, पर लेकिन मेरे पास इसका कोई टाइम नहीं है इस पे वेस्ट करने के लिए। तभी सीईओ बोलता है, लेकिन मैंने तुम्हें कल कहा था उसे शट डाउन करने के लिए, तो तुम्हें उसे शट डाउन कर ही देना चाहिए। अरे तुम खुद नहीं कर सकते हो तो तुम मुझे बता दो, मैं किसी और से बोलूंगा। तो जो पर्पल हेयर वाला आदमी वो बोलता है, लेकिन उसने कभी भी इतने सालों में, पिछले सालों में कभी भी अपने आप को एक बार भी ऊपर नहीं लाया है, कभी भी वो टॉप टॉप पे नहीं आया है, लेकिन फिर भी जैसा तुम चाहते हो मैं तुम्हारा लिए वैसा ही कर दूंगा। आखिरकार तुम इस इंडस्ट्री के लीडर हो, तो जो तुम कहोगे वही करना पड़ेगा हमें, ऐसा सोचता है और बोलता है कि पर्पल हेयर वाला आदमी। लेकिन यो बोलता है कि यदि उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और कोई उस पर ध्यान नहीं देगा तो वो अपने आप ही ये कैरियर गिव अप कर
कर देगा, और वो जितना हो सके वो घर पे ही रहे और अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से बिताए। तभी सीईओ की भावना चढ़ जाती है, और जो हमारा पर्पल हेयर वाला आदमी है वो बोलता है, क्या तुम उसे छुपाना चाहते हो? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसको अपना उससे प्यार करने लगे हो करके? लेकिन तब तक मैं सीईओ फोन काट देता है। लेकिन फिर भी इस पर्पल हेयर वाले आदमी की क्यूरियोसिटी अभी भी शांत नहीं होती होती है, और ये अपना बहुत ही सोच रहा होता है कि वो क्या करे। तभी वो फोन लगाता है और बोलता है कि लिंशी को मेरे ऑफिस में इसी वक्त भेजो, और बोलता है कि तुम जाओ ऑरेंज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और वहां जाके इस आदमी से कांटेक्ट करो। और वो उसको ये की फोटो दिखाता है। तो एक आदमी आता है, बोलता है ठीक है, मैं 3 बजे के बाद उस आदमी से कांटेक्ट करने जाऊंगा। और तभी दूसरी तरफ ही और रूरू दोनों मिलके बहुत अच्छा सा खाना खा रहे होते हैं, जिसमें पेस्ट्रीज होती है, जूस होते हैं, और उनका फेस बहुत ही हैप्पी सा लग रहा होता है। और दोनों मिलके अब जूस पी रहे होते हैं, जैसे कि उन्होंने पहले कभी भी ये जूस पिया ना हो, इतने खुश होते हैं, दिल खोल के जूस पी रहे होते हैं। इनका पेट भी इतना भर जाता है कि पूछो मत, जैसे कि इन्होंने पहली बार कभी इतना कुछ खाया हो। ये सब बैठ के सीईओ जो है अपने टैबलेट पे देख रहा होता है। तभी उसे एक मैसेज आता है जैन की तरफ से, और उसमें लिखा होता है उनके बॉडीगार्ड ने कि बॉस वो लोग जो है वो डेजर्ट खाने के लिए गए हैं, और उन्होंने स्ट्रॉबेरी का फॉरेस्ट केक, मैंगो चीज केक, एग टार्ट और ये सब भी मंगाया है खाने में। तभी सीईओ सोचता है कि ये लोग कितना मीठा खा रहे हैं फोन को देखते हुए, और सीईओ के चेहरे पे एक स्माइल भी आ रही होती है। तभी एक लड़की आती है और बोलती है कि तुम किस चीज को देख के मुस्कुरा रहे हो? और जो सीईओ है वो अपना मोबाइल रख देता है और अपनी खाने की प्लेट की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। और तभी सीईओ बोलता है कि तुम्हें कॉकटेल पार्टी में आज रात मेरे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपना प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया है। और लड़की ये सुन के बहुत ही एक अजीब सा रिएक्शन देती है कि क्यों कैंसिल कर दिया? तो लड़की पूछती है, क्या बात है, क्या तुम्हें कहीं कुछ तकलीफ हो रही है, क्या तुम बीमार हो, कोई प्रॉब्लम है करके वो ऐसा उससे पूछती है। लेकिन मन ही मन वो कोस रही होती है और उसने अपनी मुट्ठियां भी बीज रखी होती है। तो फिर वो ये भी सोचती है कितना लंबा समय हो गया है जिन गांव ने मुझे बहुत समय से किसी भी पब्लिक पार्टी में नहीं लेके गया है, और मैं जो हूँ आज की पार्टी के लिए बहुत देर से इंतजार कर रही थी, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होती यदि वो मुझे अपने साथ पार्टी में ले जाता, तो इस बहाने हमारी एक डेट भी हो जाती। तो सीईओ बोलता है कि तुम अपना खाना जो है वो खा लो, मुझे कुछ काम है तो मैं जाऊंगा। ऐसा करके वो अपना मुंह पोंछने लगता है और जाने की तैयारी करने के लिए खड़ा होता है। तभी लड़की बोलती है, जिन्ही आओ वेट सीईओ को। ये हमारे सीईओ का जो पूरा नाम है वो फैन जिन याओ है, लेकिन मैं इसे सीईओ के नाम से ही ज्यादातर मेंशन करूंगी क्योंकि इनके जो नाम होते हैं ये बड़े डिफिकल्ट से लगते हैं मुझे। तो ये लड़की सीईओ को वेट करने के लिए बोलती है, लेकिन सीईओ कहाँ किसी का सुनने वाला है, वो अपना होटल से निकल जाता है। और लड़की अपने मन में सोचती है और उदास होती है कि अब वो क्या करे। तभी उसका बॉडीगार्ड वहां पर खड़ा रहता है, और तो लड़की बोलती है कि क्या बात है, क्या सीईओ आजकल बिजी है क्या, उनके पास टाइम नहीं है क्या? और तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि मिस रई, जो ये मुझे कहना अलाउड नहीं है, ये मेरे बॉस का प्राइवेट स्टफ है। तो जो लड़की है बोलती है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं तो बस थोड़ा उसकी हेल्थ के बारे में बरी थी, इसके अलावा कोई बात नहीं है करके। और ये भी है कि जो तुम्हारे सीईओ हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है, तो
जरूर वो किसी ना किसी काम में बिजी होंगे, तो आपको उसका केयर रखना चाहिए। तभी वो सोचती है कि बहुत समय से मुझे उसने बुलाया नहीं है। क्या उसके पास किसी और कोई और है क्या जिसके बारे में वो सोच रहा है करके, और ऐसा सोचते वो अपना खाना जो है वो काटती है। लेकिन उसके बाद भी उसका उसे खाने का मन नहीं करता, और वो अपने मन में सोचती है कि उसे सीईओ के बिस्तर में चढ़ने के लिए और सीईओ से अप्रोच करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अब वैसा हो नहीं रहा है जैसा वो चाहती है। तो वो सोचती है कि मैंने बहुत मुश्किल से फैंसी ज्वेलरीज और फैंसी क्लोथ्स और अभी डिसेंट लाइफ को अफोर्ड किया है इस सीईओ के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, और यदि मैं इसे बनाए नहीं रखूंगी तो जो दूसरे लोग हैं अपर क्लास के वो मेरे पर हंसेंगे, और मैं उन जो रिच गर्ल्स हैं उनको अपने ऊपर हंसने नहीं दे सकती। तो ऐसे कहकर वो अपने हाथों को इतनी जोर से बीजती है और अपने नाखूनों को अपने आर्म्स में इतनी जोर से बीजती है कि उसकी आर्म से खून आने लगता है। बोलती है, मैं इन लोगों को कभी भी कोई चांस नहीं दूंगी, मैं ही मिसेस फैंग बनूंगी, और यदि मैं मिसेस फैंग बन जाती हूँ तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं मेरे और जो चिंताएं हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, और मैं किसी को भी अपने ऊपर हंसने नहीं दूंगी, और मैं अपनी लाइफ को किसी भी तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगी, ऐसा वो लड़की सोचती है। जिस आदमी को भेजा गया था उस इंडस्ट्री में, ऑरेंज इंडस्ट्री में, वो जो 3 बजे के बाद आने वाला था करके, वो आदमी यहाँ पर आता है और वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बोलती है, ऑरेंज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि सर क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है। मिस्टर ली जो है वो अभी मीटिंग को होल्ड कर रहे हैं, वो मीटिंग में करके वो तभी लोगों से मिलते हैं जब उनके पास अपॉइंटमेंट होता है। और तभी जो लड़का इस आदमी के साथ आया वो सोचता है कि सिर्फ 2 ही घंटे रह गए कॉकटेल पार्टी को स्टार्ट होने में, और क्या कहते हैं ये जो इतनी सारी बड़ी कंपनीज हैं वो हम लोगों को बहुत ही अच्छे से पैशनेटली हमको वो करती है, ग्रीट करती है मिस्टर लिन का फेस देख के ही। लेकिन ये एक छोटी सी कंपनी इतनी एरोगेंट क्यों है करके, तभी वो बोलता है कि मिस आप अपनी आंखें खोलिए और ये बिजनेस कार्ड को देखिए, और वो उसको अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है। जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बिजनेस कार्ड को अपने टेबल पर पड़ा देखती है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ होता है बाई बाई एक्स सिंह द ए लिस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी। ये जो कंपनी है वो ए लिस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी। ये देख के रिसेप्शनिस्ट काफी शॉक भी हो जाती है। तभी वो बोलती है कि मैं तुरंत ही मिस्टर ली को फोन करती हूँ, आप प्लीज 1-2 मिनट मुझे दीजिए करके। तभी वो लड़का सोचता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो छोटी कंपनी है वो बहुत ही सेंसलेस है, और वो बोलती है मिस्टर ली आप बाई कंपनी से हैं और आपका यहाँ आना कैसे हुआ करके, और वो फोन पे लगा फोन लगाती है और वहाँ अपने बॉस को कहती है कि यहाँ आपसे कोई मिलने आया है करके, और वो फर्स्ट फ्लोर पे है, और बोलते हैं कि मिस्टर ली ने कहा है कि आप डाउन स्टेयर्स जाइए और वो वहाँ पर आपसे मिलेंगे। जो रिसेप्शनिस्ट है वो बहुत ही खुश भी हो रही होती है और पैनिक भी हो रही होती है क्योंकि इतने बड़े लोग हैं, और वो अपने मन ही मन में सॉरी भी कह रही होती है। जनरल ऑफिस पहुंचते हैं, ये जनरल मैनेजर के ऑफिस पहुंचते हैं जहाँ पर वो लोग अपना हाथ मिलाते हैं, 2 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, और वो बोलता है कि हमें हमारी गलती के लिए और इम्पोलाइटनेस के लिए माफ कीजिए मिस्टर लिन। तभी जो लेन युआन की जो जनरल मैनेजर है ऑरेंज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो, और उसके पीछे जो औरत खड़ी है वो लाओ एक्सवी है, वाइस मैनेजर है ऑरेंज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। दोनों उनको ग्रीटिंग करते हैं। तभी जो ये मैनेजर है वो सोचता है कि ये लिंशी है जो हमारे प्रेसिडेंट है बाई
बाई इंडस्ट्री के, इंपीरियल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के। तभी वो ये भी सोचता है कि इनके साथ कॉकटेल पार्टी भी है और लोग इनके पास जाने के लिए बहुत देर तक स्ट्रगल भी करते हैं। तो वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि मुझे गलत कॉल आया है करके, मुझे लगा कि कोई ऐसे ही रैंडम आदमी मेरे यहाँ पर आया होगा बाई कंपनी से, बाई एंटरटेनमेंट कंपनी से। तभी जो ये आदमी है लिन, वो बोलता है कि ये हमारी गलती है कि हमने आपको पहली प्लेस में इन्फॉर्म नहीं किया और हम ऐसे ही चले आए करके। तभी मैनेजर बोलता है कि नहीं नहीं आप हमारी कंपनी में आए, ये तो हमारे लिए ऑनर का बात है करके, और बहुत खुशी खुशी उनके साथ बात करने की कोशिश करता है, ऐसे दिखाता है कि वो बहुत ही खुश है कि उनकी कंपनी में ये आए हैं। और अपने मन में सोचता है कि किसने सोचा था कि लिंशी हमारी कंपनी में आएगा, और इनका पर्पस क्या है, क्या वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्या। इन्वेस्टमेंट की बात सुनते से और सोचते से बंदे का मुंह जो है खुला का खुला रह जाता है, और बोलता है कि मैं कितना लकी हूँ कि हमारी कंपनी में ये लोग आए हैं। और तभी मैनेजर बोलता है कि मैंने सुना है कि रोल सिलेक्शन के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं और वो चालू होने वाला है, तो क्या इसके लिए आप हमारी कंपनी में टूर लेना चाहेंगे क्या। तभी एक पिंक हेयर वाली लड़की आती है जो हमने अपने हाथ में कॉफी लिए करके दरवाजा को खोलती है, तो बोलती है कि मिस्टर ली मैंने आपके लिए कुछ कॉफी वगैरह लाई हूँ, आप थोड़ा कॉफी वॉफी पीजिए करके। वो खुशी खुशी आगे चल के कॉफी ट्रे में लेके उनको ऑफर करना चाहती है। और ये जो लड़की है इसका नाम जैंग लीली है, और ये ए लिस्ट स्टार में कंपनी है कि वो है क्या कहते हैं एक्टर है। और ये सोचती है कि मैंने बहुत ज्यादा जो पैसा है ऑरेंज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कमाया है, और यहाँ पर मुझे सब प्रिंसेस की तरह ही मतलब हमेशा ट्रीट करते हैं, मुझे बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं इस कंपनी में। तो इस लड़की को ऐसा लगता है कि दूसरे लोग भी इसको बहुत इम्पोर्टेंस देंगे। तो यह पूछती है कि यहाँ पर बाई कंपनी के जो लोग हैं वो किसके लिए आए हैं करके। तो जो मैनेजर वो बोलता है कि लीली तुम एकदम सही टाइम पे आई हो, और वो अपने मन में सोचती है कि शायद ये लोग मेरे लिए ही आए होंगे। और फिर उसी के बाद हमारे मैनेजर बोलते हैं कि मिस्टर लिन मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ हमारी कंपनी की सबसे अच्छी एक्ट्रेस से जिसका नाम है जैंग लीली, इसने बहुत ही फेमस सीरीज में इसने मतलब काम किया है, और ये बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, और इसने कुबीन का भी रोल किया है, और बहुत सारे लव ऑफ सेवन लाइफ में भी काम किया है करके। ये जो मैनेजर है वो अपनी आर्टिस्ट को प्रमोट करना चाहता है बाई इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, तो वो बार बार इसकी तारीफ करता है उनके सामने। तभी ये पूछते हैं कि आपकी कंपनी में एक एक्टर है जिसका नाम है यी युन, क्या वो आपकी कंपनी में है करके। तभी जो मैनेजर है और ये जो पिंक हेयर वाली औरत है इसके होश उड़ जाते हैं कि अरे बाप रे ये ऐसे फ्लॉप एक्टर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं करके। तभी मैनेजर बोलते हैं हाँ है हमारी कंपनी में एक ऐसा आदमी, और वो फिर अपने मन में सोचता है कि कौन है वो आदमी, उसका तो मेरे दिमाग में कोई इम्प्रेशन भी नहीं है करके। और लड़की सोचती है कि यूं वो कैसे उसके लिए आ सकते हैं। तभी जो लाओ है वो बताती है कि हाँ यूं हमारा एक्टर है, और क्या आप उसके लिए यहाँ आए हैं, और लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर है नहीं, और वो जो है वो शूटिंग के लिए आज आउट है करके, और वो इस वक्त कंपनी में नहीं है, क्या आप चाहते हैं कि हम उन्हें कॉल करके यहाँ बुलाएं। तो मैनेजर भी जो है उसके भी बल्ब जलता है कि पीछे से लाओ ऐसा बोल रही है तो मुझे भी कुछ बोलना चाहिए, तो वो बोलता है यस यस
हाँ, क्या हम उनको फोन करके बुलाएं? वो जीयून जो है वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है करके, और वो जो है बहुत फ्रेंडली भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है, हार्ड वर्किंग भी है, और वो बहुत ही मोटिवेटेड भी रहता है। लेकिन असली बात तो ये है कि इसे वो आदमी याद ही नहीं है, लेकिन फिर भी तलवे चाटने के लिए वो ये सब बातें बोल रहा होता है। और बोलता है कि वो आदमी काफी टफ भी है, और वो जानता है कि कैसे अपने आप को कोऑपरेट करना है, और अपने काम के लिए वो अपने आप को सेक्रीफाइस भी कर देना जानता है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग तो ये है कि जिसने भी उस आदमी के साथ काम किया वो सब ये कहते हैं कि वो एक अच्छा आदमी है करके। और ना ये मैनेजर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन वहाँ दूसरे भी लोग होते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि ये कितना बड़ा झूठ है, क्योंकि सबको ये पता है कि ये एक फ्लॉप एक्टर है, जिस भी सीरियल में काम करता है वो सीरियल या तो बैन हो जाती है, बीच में रुक जाती है करके। लेकिन ये लोग कुछ बोलते नहीं, अपने मन में सोचते हैं। उसके बाद जो ही होता है वो खाना खा रहा होता है और उसका फोन बजता है, और जब फोन उठाता है वो तो उसमें मिस जैन का कॉल होता है। ही और रूरू अभी अपनी चॉपस्टिक से खाना खा ही रहते हैं, तभी यून बोलता है कि क्या हुआ करके। तभी मिसेस जैन बताती हैं कि बाई कंपनी से कुछ लोग आए थे जो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। और तभी ही बड़ा शॉक होता है, क्योंकि ये कंपनी इतनी बड़े लोगों की कंपनी है, और वो कैसे इस छोटे से एक्टर के लिए मतलब आ सकती है। उसको ऐसा फील होता है, और उसके मुंह में जो खाना रहता है वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है शॉक के कारण। और वो बेचारा रू रू सोचता है कि हे भगवान ये क्या हो गया करके। तभी वो बोलता है कि ये मैं तुम्हें बच्चा जो बोलता है, वो बोलता है ये तुम जो ना बहुत मैसी हो, तुमने सब मैस क्रिएट कर दिया है। तो यही बोलता है सॉरी सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था करके रूरू की नाक को पोंछता है, और बोलता है अपने खाने पे फोकस करो करके। तभी वो सोचता है कि बाई कंपनी बाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मेरे लिए क्यों आई है। तो फिर बोल सोचता है कि वो जो इंडस्ट्री का लीडर है क्या वो आया है, क्या वो मुझे चूज करने आया है, और यदि वो मुझे चूज करने आया है तो अब से मेरे दिन जो है वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। वो अपने आप को हर तरह के रोल में इमेजिनेशन करने लगता है कि वो लेजेंडरी एक्टर बन जाएगा, कुछ बहुत बड़ा कर लेगा, और वो सोचता है कि बाई कंपनी मैं आ रहा हूँ करके। तभी उसको ये भी लगता है कि मैं तो कोई भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये कंपनी आ रही है, लगता है यही मेरा ड्रीम है, और अब मुझे फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तभी मिस जैन बोलती है कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है ये सोच के कि वो लोग तुम्हारे लिए आ रहे हैं करके, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि वो तुम्हारे लिए आएंगे। मुझे बहुत शॉक भी हो रहा है, मैं डरी भी हूँ और मैं सरप्राइज भी हूँ। लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि वो क्यों आए थे यहाँ पर, और वो बस तुम्हें देख रहे थे और जल्दी में चले गए और तुम यहाँ नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि वो फिर से बाद में आएंगे। ये दो तो ये सोचता है कि वो फिर से आएंगे और तब हम डिस्कस करेंगे करके, और उसके साथ उनका फोन कट जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। उसके बाद रूरू बोलता है कि ये क्या हुआ करके। जब वो बोलता है कि ये क्या हुआ, तो वो सोचता है कि मैं क्या ही बताऊं रूरू को कि मैं रिच बनने वाला हूँ, मेरा बहुत कुछ सपना पूरा होने वाला है, मैं एक बहुत अच्छा स्टार बनूंगा। अभी ये कहानी फ्लैशबैक में चलेगी, तो जब फ्लैशबैक खत्म होगा तब मैं बताऊंगी। हॉस्पिटल हॉस्पिटल में हमारे सीनियर बैठे होते हैं और फाइल को देख रहे होते हैं, तभी उनका असिस्टेंट आता है और बताता है कि मास्टर हमारे पास एक एशियन क्लाइंट आया था जो कैन कंपनी था, और इंडस्ट्री सीलर ने अप्लाई किया था, और ये जो है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के लिए आया था, मतलब इनको भी एक बच्चा चाहिए था, इसलिए उसने अपने आप को रिकमेंड किया हुआ था। और फिर वो उसे एक फोटो भी दिखाता है करके, जो ये फोटो होती है उसे हमारे स्कूल को देखते हैं, और उस फोटो को देखने के बाद लिखा होता है इनका नाम जो है वो यूजुअल है, और ये फोटो में इंक्लूजन करके
24 और 25 साल के हैं और ये 4 साल पढ़ी है, मतलब तुम्हारी। तो इसीलिए इस फोटो को देखता है और कहता है कि इसका काम चल जाएगा। तो फिर जो मां से वो बोलते हैं कि चिकन नाम का जो आदमी आया था उसे हम चिंतित कर देते हैं और ये काम हमें केयरफुली करने की जरूरत है। और ऐसा कहते हैं बच्चे को पैदा करना चाहते हैं तो बोलता है हाँ मैं शुरू हूँ, मुझे ये बच्चा करना ही पड़ेगा। जो उनके घर के जो मेंबर्स हैं वो उससे अपने छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कहते हैं वो डाकू बन जाता है। और बताता है कि वो लोग जो हैं वो मेन फैमिली के लोग हैं और वो लोग नहीं चाहते कि मेरा कोई भी बच्चा हो और यदि मेरा बच्चा नहीं होगा तो मेरे पोजिशन अपने फैमिली में कम हो जाएगी और वो ज्यादा वो नहीं होगा। तो फिर वो मैनेजर थी, फिर हम उसका क्या करें जो मिस्टर डी के ओरिजिनल रैंक उन्होंने बैंक में जमा करवाए थे आर्टिफिशियल आइडेंटिटी के। तो ये होता है कि उससे तुम छुटकारा पा लो और ये बात को पता नहीं चलनी चाहिए करके। और बोलता है ठीक है, ऐसा करके मैनेजर लोग को बाहर घुमाने लेके जा रहा होता है डी से। फिर जो है उसको कभी इंजरी हुई होती है तभी मैनेजर बताता है कि जो बच्चा है उसने जन्म ले लिया, मतलब उसका जन्म हो चुका है। वो सुनता है और उसकी खुशी होती है, वो टेस्ट बोलती है अच्छी बात है करके और बोलता है कि तुम उन लोगों पर भरोसा रखना करके और मुझे उनकी रिपोर्ट्स को ईमेल के द्वारा या कोर्ट के द्वारा जो भी सुविधा लगे उसके द्वारा तुम मुझे बताते रहना और जो मेरी जो फोटोज मैंने डेली लेना और मेरी एक फोटो को मेरे ग्रैंड पापा को भेज देना जिससे उन्हें सही बात ना पता चले कि मैं यहाँ पर इंजोर हूँ और हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। तो मैनेजर बोलता है ठीक है मैं नहीं बताऊँगा। और उसके बाद बाद में मैनेजर आता है टैबलेट लेके और बताता है कि बेबी जो है वो 1 साल का नहीं वो 1 मंथ का हो गया है उसके, वो बेबी को देख रहा होता है। और तभी मैनेजर बताता है कि जो मिस्टर डी हैं वो बच्चे को अपने साथ उनके घर ले जा रहे हैं, तो क्या अभी भी हमें उन्हें फॉलो करने की जरूरत है। सीईओ अपने मन में सोचते हैं कि जो बच्चा है वो कितना छोटा है, तो वो बोलता है कि ठीक है तुम मुझे उनके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पे अपडेट करते रहना। तभी मैनेजर आके बताता है कि जो मिस्टर डी है वो हाई क्वालिटी का डायपर ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जो बच्चा है उसकी जो बट है उसमें एलर्जी हो गई है ऐसे डायपर को यूज करने से। तभी सीईओ टैबलेट देखता है कि हाथ पे तो फिर उसका ये दूध जो है कैसे जुड़ा है और कैसे बिहेव कर रहा है करके और डिसीजन लेता है कि उसे बेस्ट क्वालिटी का डायपर जो है वो अपने बच्चे को भेजना चाहिए। और मैनेजर को कहता है कि बेस्ट क्वालिटी का डायपर पैकेट तुम मिस कर दीजिए यहाँ पर पा सकते। तभी बैल बजता है टीम डाउन और वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आता है और बोलता है कि सर आपने जो डायपर्स मंगाए थे वो डायपर्स आ गए हैं, हम आपको उसकी डिलीवरी देने आए। और बड़ा खुशी खुशी से डिलीवरी उसको देता है, बोलता है कि पार्सल से साइन करो। पूछता है कि हाँ मैंने कब डायपर्स मंगाए थे, मैंने तो कभी ऐसे डायपर्स मंगाए ही नहीं थे, तो ये जरूर मेरी माँ ने मंगाए होते हैं। बच्चा बोला होता है कि उसका ध्यान कहीं और जाता ही नहीं, पहले ही कहता है कि ये डायपर उसकी माता ने दूध के लिए भेजे होंगे करके और वो फटाफट पार्सल में साइन कर देता है। और तभी
दूसरी और ग्रैंड मदर जो होती है उनकी, वो बोलती है कि गुरु इधर आओ, ग्रैंड मदर तुम्हारा डायपर चेंज करेगी तुम्हारे लिए। तो गुरु भी बहुत हैप्पी हो रहा होता है कि उसका डायपर अब चेंज होने वाला है। ग्रैंड माँ डायपर अपने हाथ में लेती है और बोलती है कि इस बार यून ने बहुत ही अच्छे किस्म का डायपर लिया है। और बच्चा सोच रहा होता है कि वाकई में इस बार बेबी ने बहुत अच्छा डायपर लिया है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है, एयरी है और ये बहुत अच्छा है। और ग्रैंड माँ भी बोलती है कि इसकी जो एयर की मतलब हवा आनी चाहिए बच्चों के डायपर में वो भी क्षमता बहुत अच्छी है करके। और वह रोलो का उस टाइम पे डायपर बदलती है और रोलो भी बहुत हैप्पी हो गया होता है। तभी मैनेजर बताता है कि मास्टर 100 डेज का सेलिब्रेशन करने के लिए मिस्टर ने अपनी फैमिली को लेकर बाहर गए हैं खाना खिलाने के लिए। और रोलो और उसके मदर फादर और ग्रैंड फादर वगैरह सब पार्टी में गए हैं। तभी दूसरी बार जब आता है तो वो बताता है कि मैनेजर बताता है कि अब जो बेबी है वो वॉक करना सीख गया है और मिस्टर ही और हिंदू कैसे वॉक करते हैं इसमें तो उसे ये दिखाता है। और फिर उसके बाद ये बताता है कि अब जो हिंदू है वो बड़ा हो गया है और किंडर गार्डन जाने जितना बड़ा हो गया वो किंडर गार्डन भी अब जाने लग गया है। और वो ये बताता है कि जो मिस्टर ही है उन्होंने बेबी को आज जंक फूड भी फिर से खिलाया था। और यहाँ पर ये दोनों को तो कुछ पता ही नहीं होता है कि इनके बारे में सारी खबरें स्टूडियो को बहुत पहले से ही जा रही होती है। तो ना अपना बर्थडे बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी स्टूडियो सोचता है कि ये तो कभी जंक खाना बंद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी खुश होता है, बहुत प्यार भरी नजर से टैबलेट के अंदर अपने बच्चे का फोटो खींचता है। और फिर उसके बाद ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हमारे जो सीईओ है वो एक्शन में आ जाते हैं और चलते हुए जाते हैं और देखते हैं कि वाकई में अब इस प्रेजेंट टाइम में जो ये दोनों बाप बेटे हैं वाकई में चिकन फ्राइड चिकन खा रहे होते हैं और इन दोनों के हाथ में डच फ्राइड चिकन होता है और ये बहुत ही डिलीशियस होता है। और ये दोनों एकदम हफ्ते लोगों की तरह मंच मंच करके मुख बखबक खा रहे होते हैं और जबकि फ्राइड चिकन यम यम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है कि आगे फ्राइड चिकन बहुत ही डिलीशियस एंड गुड है, कभी चीज में बहुत अच्छा है। तो ये दोनों बिना आंखें खोले एकदम जैसे उसको बोलते हैं हाँ ये बहुत अच्छा है खाने में। और दोनों अपना खाना कंटिन्यू रखते हैं कि ये फ्राइड चिकन है यम यम करके। तभी बीबी के हाथ से उसका फ्राइड चिकन वो ले देता है और दूर ऊपर समझ में नहीं आता उसका चिकन कहाँ गया, वो इधर उधर देखने लगता है और होता है मेरा फ्राइड चिकन कहीं चला गया। और इतनी जोर से उसको शॉक होता है कि उसका मुंह खुला का खुला रहता है और वो बोलने लगता है मेरा चिकन मेरा चिकन। और वहां पर ये बोलता है जो ऊपर चिकन किसने दिया किसने दिया। और इसी को ध्यान रखते हुए दोनों ऊपर की तरफ देखते हैं भाई साहब आखिर मेरा चिकन कहाँ चला गया। और जब देखते हैं तो वो चिकन सीओ के हाथ में होता है और सीओ से खाने ही वाला होता है। और वो बताता है सोचता है कि ये जो उनका चिकन है इसका टेम्परेचर इतना है कि इसके तो रहा ही नहीं जाएगा इसे बिना खाए हुए। तो ये बोलता है कि मैं सिर्फ एक बाइट लेना चाहता हूँ। और दोनों फोकस कर रहे होते हैं उस चिकन के ऊपर, देना ही चाहता है उनके चिकन में से। अब वो अपना मुंह खोलता है और वो डबी चिकन को अपने मुंह में डालता है और एक बाइट खाता है। जैसे ही वो एक बाइट खाता है वो भी सोचता है कि ये वाकई में बहुत डिलीशियस और बहुत टेस्टी है, लेकिन फिर वो उसे धीरे धीरे खाने लगता है। एक बाइट की जगह ऑलमोस्ट पूरा ही खा चुका होता है और ये दोनों का आपने आंखें बाहर निकलाती है और मुझे खुला रहता है कि इसमें तो एक खाने के लिए खाता एक बाइट खाने के लिए खाता है तो इसका सारा पूरा ही खा गया। तभी जो ये उसे पैनिक होने लगता है, वो बोलता है तुम क्या कर रहे हो। और रू रू के आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि अरे मेरा चिकन
होता है तभी वो जो हाथ में बाल उसने कागज का बनाया होता है वो ट्रे पे रख देता है। तभी ये बोलता है कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो करके, और ये बोलता है कि छोटे बच्चों को इतना प्राइवेसी नहीं खाना चाहिए। तभी बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ क्यों आए हो, उसको अपनी गोदी में लिए रहता है और बोलता है तुम यहाँ क्यों आए हो। और उसके बाद वो बोलता है कि अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसके बाद अकवर्ड फील होता है। तभी जी ये बताता है कि मैंने सुना कि तुम बीमार फील कर रहे थे, क्या तुम्हें स्टमक में पेन है या हेडेक है करके। बच्चे को बड़ा गलती महसूस होता है क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। ये पूछता है कि आखिरकार तुम्हें कहाँ पर अनकंफर्टेबल लग रहा है मुझे बताओ। हाँ भाई लोग, आज का फिर गेम खत्म होता है सवेरे के 4:30 बज रहे हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो गुड नाइट, कल मिलेंगे, कल मैं अपने सबके साथ में आऊंगी। यदि आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच।